बगैर गैस के पानी गर्म करने की सहूलत मिल गई है। भाई ये उठाए तो सही, गर्म भी है, ऐसी पागल बना रहे। ओए हो, ये तो बेहतरीन गर्म है, गर्म फुल गर्म। मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा ना, इसके अंदर करंट है ना कोई चीज है, पानी गर्म करें आराम से इस्तेमाल करें। पानी आ रहा है, वो निकल रहा है। चाय बना सकते हैं? हाँ, सर्दियों में चाय बनाएं, कॉफी बनाएं, नहाएं, और गर्मियों के अंदर 10 मुहर्रम को शरबत बांटे इसके अंदर। दोस्तों हम लोग आज मौजूद हैं आराम बाग के एरिया में, जो कि बंस रोड के बिल्कुल बराबर में है और फ्रेस्को के बिल्कुल बराबर में खड़े हैं इस टाइम पे। जिस तरह आपको बताया कि सर्दियां इस टाइम पे भरपूर कराची में आ रही हैं और जा रही हैं, गीजर बहुत महंगे हो चुके हैं, और इसी को देखते हुए अभी इस टाइम पे हमारे अपनी लोकल मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो है वो आ चुकी है, जिसके अंदर आपको बगैर जो है गैस के पानी गर्म करने की सहूलत मिल गई है। तो ये है वो जी टंकी गीजर, जिसमें एक यूनिट के करीब बिजली खर्च करके आप यहाँ पानी गर्म कर सकते हैं और यहीं से पानी जो है टैप से निकाल सकते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें हो सकती है। ये सब चीज़ें क्या हैं, कितने की ये प्रोडक्ट है, कहाँ से मिलेगी, क्या फ़ायदे हैं इसको आपको, तो यही सब चल के इस वीडियो में आपको बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। जी हम आ गए हैं अब शॉप के अंदर, और ये हैं हमारे अदनान भाई। अदनान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अदनान मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। ये पीछे आपने जो ये ड्रम डब्बे रखे हुए, ये क्या सीन है, ये क्या क्या सीन ले आए ये नया? ये जो है हमने गीजर बनाया है मार्केट में, आपको पता है इस वक्त सर्दी का एक तो मौसम आ गया है, और इसके अलावा जो है गीजर जो है वो बहुत महंगे चल रहे हैं। गैस वाले गीजर खरीदते हैं तो गैस नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक वाले खरीदते हैं तो वो 3000 वाट, 3500 वाट, 2500 वाट पर होते हैं, बिजली का बिल बहुत आएगा, कंजप्शन ज़्यादा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ड्रम के अंदर एक गीजर बनाया ताकि हर बंदे की पहुंच में आ सके। तो इसमें 1000 वाट का एलिमेंट लगाया हमने, और इसकी एक घंटे के अंदर जो एक से डेढ़ यूनिट ये लेते हैं। तो ये कैसे आइडियाज आए आपको, इस तरह का आइडिया आया कैसे? सर ये बेसिकली जो है बलूचिस्तान का आइडिया है। बलूचिस्तान के लोग पहले हमसे जो है ये सामान वगैरह लेके जाते थे, रॉड वगैरह लेते थे, रॉड वगैरह लेते थे, टैब लेते थे, ये चीज़ें लेते थे। तो उसके बाद हमने भी ट्राई करा तो ये चीज़ कारामत निकली। सेफ है बिल्कुल सेफ है। मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा ना, इसके अंदर करंट है ना कोई चीज़ है, पानी गर्म करें आराम से इस्तेमाल करें, आराम से हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा तो ये अभी ये बताएं आप कि ये जो आपने रॉड रखी हुई है यहाँ पे सारी, ये क्या सीन है, ये क्या है, ये चार चार रॉड रखी मार्केट के अंदर, इसके अंदर क्वालिटी आ रही है, ये देखें बिल्कुल हल्की क्वालिटी का, ये 750 रुपये का मार्केट में आपको मिल जाता है, सही है ठीक है। इसके अलावा चाइना के अंदर बेहतरीन क्वालिटी ये रखी हुई है, ये 1500 रुपये 1300 रुपये का रेट है, हम दे रहे हैं आपको 1000 रुपये का। ये बैक पे क्या है इसके? ये बैक पे इसका थर्मोस्टेट है। अच्छा। 40 सेंटीग्रेड, 60 सेंटीग्रेड, 80 सेंटीग्रेड, जहाँ पे आप इसको सेट करेंगे उधर पानी गर्म होगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक कट ऑफ कर जाएगा। थर्मोस्टेट भी साथ लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल जबरदस्त भाई। और इसके ऊपर कौन सी क्वालिटी है? इससे ऊपर जो है फिर इटली आती है, मेड इन इटली। अच्छा, मेड इन इटली के अंदर ये आपको मिल जाएंगे 1500 वाट, 2000 वाट। अच्छा। ये ओरिजिनल मेड इन इटली होता है, इसकी क्वालिटी थोड़ी और क्वालिटी और हाई होती है। अच्छा ठीक है, तो मतलब इसमें अगर ये लगाएंगे तो फिर जंग आने का खतरा है? जंग आने का खतरा होता है। और चाइना वाला जो है? चाइना वाला फिर उससे बेहतर होता है, चलता है चलता है। और ये जो इटली वाला, इसमें जंग नहीं आएगा? इसमें जंग नहीं आता, ये कॉपर की रॉड होती है, कॉपर की रॉड। तो मतलब कोई अगर घर में बच्चे हैं या कोई ऐसे मामलात हैं तो खतरा नहीं है? नहीं नहीं कोई भी खतरा नहीं। यहाँ पे आपको मैं डेमो करके दिखाता हूँ, गर्म करूंगा पानी को, पानी गर्म भी होगा, उसके बाद आपको टैप के नीचे हाथ लगा के दिखाऊंगा, करंट भी नहीं होगा, करंट भी नहीं होगा, करंट भी नहीं होगा। तो ये बाकी क्या चीजें हैं? इस तरह ये चीजें हैं जो हम इसके अंदर क्वालिटीज लगा रहे हैं। ये है ब्रास का नल तुर्की का। अच्छा, ये ब्रास के अंदर है। ये क्या है? ये क्या है? ये आजकल जो है ना हल्की क्वालिटी के बना रहे हैं कि रेट कम हो जाए, 2500 रुपए 2200 रुपए का ये मिल जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये कूलर वाला टैप होता है आपका, लेकिन ये पानी जब आप इसको 80 सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो तो ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और ये जो तुर्की वाला है, ये तुर्की वाला ये देखें ब्रास के अंदर है। अच्छा हाँ, दिखाए ना जरा, ये आप लगा के दे रहे हैं, मतलब एक क्वालिटी की चीज़, एक क्वालिटी की चीजें लगा के दे रहे हैं ताकि कस्टमर को इसमें कोई परेशानी ना हो। इसके साथ टंकी बुश लग रहा है ब्रास के अंदर, ब्रास के अंदर। हाँ, तो ये भी ब्रास में। अच्छा, कोई ले गया, कोई लीकेज हो, कोई को मसला हो गया तो फिर क्या? सर बैठे में कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारे हाथ का काम है, मतलब ऐसा नहीं है तोड़ के नहीं लाना, लेकिन ये हाँ वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि हर छोटे बड़े कस्टमर को बाहर भी जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिशावर भी जा रहा है, कोयटा भी जा रहा है, सिंध में भी जा रहा है, बलूचिस्तान में भी जा रहा है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से पहले वीडियो बना के देते हैं, वीडियो बना के उसके बाद कस्टमर को जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं। शुरुआत कहाँ से इसकी? ये मतलब किसकी छोटी टंकी है वो कितने की है? छोटी टंकी जो है 30 लीटर की, वो पड़ेगी आपको 2700 रुपए की। इसके बाद 40 लीटर के अंदर आते हैं, वो पड़ेगी आपको 3000 रुपए की। फिर उसके बाद 60 लीटर के अंदर है, वो पड़ेगी आपको 4500 रुपए की। फिर उसके बाद जो है 100 लीटर के अंदर, सॉरी
60 लीटर लेते हैं वो पड़ेगी आपको 3500 रुपए की, और 100 लीटर लेते हैं वो आपको पड़ेगी 4500। छोटी टंकी जो है वो भाई बता रहे थे, ये भाई हमारे बता रहे थे कि वो 20 मिनट में पानी गर्म कर देगी। बिल्कुल 15 से 20 मिनट के अंदर पानी हो जाएगा, पानी गर्म है, पानी फुल गर्म। तो बस अभी गर्म करके दिखा रहे हैं फिर जी, बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, आ जाए। वो डेमो दिखाएंगे जो आप दिखाना चाह रहे थे। अच्छा ये डेमो मैंने लगा दिया, ये देखे ये इसका तार है, यहाँ लगाया मैंने कनेक्शन, ठीक है, थर्मोस्टेट इसका फुल पे कर दिया। दोबारा ये ऐसे ही हमें मिलेंगे? नहीं, आपको तो जो है यहाँ पे तार टाइट करना पड़ेगा ना। अच्छा, यहाँ पे नट वगैरह स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू खोलेंगे जिस तरह होल्डर के अंदर लगाते हैं बल्ब का। अच्छा, तो यहाँ पे से तार लगा के उसको टाइट कर देंगे। अच्छा, ये तो हमने बस वैसे ही कस्टमर को चेक कराने, नहीं तार आपने खुद लगाना, तार खुद लगाना, मुझे बना के दे दीजिएगा, मैंने भी घर जाके यूज कर लिया। ठीक है, ये क्या प्लग इन कर दिया? ये प्लग इन कर दिया है मैंने, ठीक है, ये पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। कैसे पास रहेगा पानी गर्म हो रहा है? ये देखिए धुआं निकल रहा है, हाँ भाप आ रही है, भाप, ये पानी गर्म हो रहा है। इसके बाद जो आपका करंट का मसला, हाथ यहाँ से ना डालें, दादा बेहतर है, वैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने यहाँ से सिर्फ पानी भरना है, पानी निकालना है जहाँ से वहाँ चेक करिए, ये कोई करंट नहीं, आप चेक कर लीजिए, ये गर्म हो गया, हाँ गर्म हो गया, चेक करें, गर्म तो सही है, हो रहा है, लगाए ना आप, यार जबरदस्त है भाई, ये इससे ज्यादा गर्म होगा, इससे ज्यादा गर्म होगा, ये तो अभी 5 मिनट लगाया बस। अच्छा, ये पीछे थर्मोस्टेट सेट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये गर्म हो गया, सही है, ये गर्म बेहतरीन हो गया, ये करंट का भी मामला खत्म होगा आपके, ये कर लिया, उसके बाद गर्म हो गया, आपने तार बार निकाल के, तार बार निकाल के उसके बाद आप यूज कर लें, अगर तार भी नहीं निकालते कोई इशू नहीं है। अच्छा, सेकंड ये कि लोग सवाल करते हैं कि यार आपने नल ऊपर लगाया एलिमेंट नीचे, तो उसकी वजह ये होती है अगर आप पानी घर वाले निकालते हैं, इसको निकाल लेते हैं तो ड्रम के अंदर पानी इतना होना चाहिए कि एलिमेंट पानी के अंदर डूबा रहे, अगर बिल्कुल खाली नहीं करना, एलिमेंट पानी में डूबा रहेगा, अगर घर वाले वायर लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसको, तो पानी जो है गर्म होगा और उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, अदरवाइज अगर ये पूरा खाली होगा तो ये एलिमेंट जल जाएगा, खाली जल के बगैर पानी के जल जाएगा, तो इसमें आपका नुकसान है, इस वजह से एलिमेंट को नीचे रखा गया है और टैप को जो है थोड़ा ऊपर रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, 1000 वाट का एलिमेंट है और 1 घंटे के अंदर आपका 1 से 1.5 यूनिट लेता है, मेरे हिसाब से हम कुछ ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 यूनिट अगर 2 से 3 अफराद इसके अंदर ना लेते हैं तो बुरा नहीं है, बनिस्बत इसके कि आप जो है 35,000 वाला गीजर लगाएं, 3,000 वाट लगाएं और उसके जो है 5 से 6 यूनिट दें तो उससे बेहतर है। कितनी देर में हो जाएगा फुल गर्म? ये 15 से 20 मिनट में, 30 लीटर वाला फुल, फिर ठंडे पानी में मिलाते जाएं, नहाते मिलाते जाएं, नहाते जाएं, आप नहाते हैं? हाँ लगाया हुआ है, घर पे दूसरा गीजर रखा हुआ है? नहीं नहीं यही रखा हुआ है, यही है, हाँ यही है, सही है, ये वालों को तकरीबन 17-18 हज़ार रुपए की बचत कर बचत करवा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बचत करवा रहे हैं। तो आपकी दुकान है कहाँ पे? मेन आराम बाग के ऊपर, फ्रेस्को बेकरी के बराबर में, फ्रेस्को बेकरी वो सामने है, वहाँ चलते हुए आगे आएंगे, वो सामने भाषानी स्वीट भी है, वहाँ से इस तरफ आएंगे, क्या नाम है दुकान का? भाईजान इलेक्ट्रिक, भाईजान इलेक्ट्रिक, भाईजान का है, भाईजान जरा गए मैं काम। तो दुकान की टाइमिंग वगैरह क्या है, कितने बजे खुलती है? सुबह 10:30 से रात 10 तक टाइमिंग है हमारी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300-2218-195, ऑनलाइन भी डील करते हैं, 195 ऑनलाइन, किसी को खरीदना है पिछावर से, कोयटा से, ऑनलाइन करा दें, जो भी ट्रांसपोर्ट के खर्चा होगा वो कस्टमर को पे करना, यहाँ से हम जो है ट्रांसपोर्ट पे एडवांस पेमेंट आता है, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा ऐड होके पहुँच जाएगा जी, हाँ बिल्कुल। और कराची में जो है होम डिलीवरी? कराची में होम डिलीवरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी हमने राइडर रखा हुआ है, अगर कोई वहीं पर पैसे देना चाहता है तो राइडर है, वो पैसे जो है कलेक्ट कर लेता है, आके ले लेना, खुद आना चेक करिएगा, उसके बाद लीजिएगा, चेक करें, यहाँ पे डेमो ले, डेमो लेके चेक करके फिर जाए, वो सामने बहुत मशहूर बनकवा वाला भी है कराची का। अच्छा जी, ये देखे मैंने, ये अपने लिए मैंने कस्टमाइज थोड़ा सा करवाया, क्या फर्क है इसमें और जो आपने दिखाया था उसके अंदर? वो चाइना एलिमेंट लगा हुआ था, इसमें इटली का ओरिजिनल एलिमेंट लगा हुआ है, वो जो है कैसे मानेंगे हम कि ये इटली का है? सर मैं चेक करा देता हूँ आपको, हर चीज के ऊपर इसका इटली लिखा होगा, मेड इन इटली लाजमी लिखा होगा, रॉड हो इसका ऑटोमेटिक हो, ये लाइफ टाइम होता है, हाँ ये बेहतरीन होता है, कॉपर का होता है, जंग नहीं खाता, जंग नहीं खाता। ये झाग क्यों आ गई? ये पानी डाला है ना अभी, असल में केमिकल के ड्रम होते हैं, क्या एक बार थोड़ा सा गर्म करके ना, अच्छा गर्म पानी से धो के फेंक दीजिएगा, सही तरह गर्म करें इसको, तरह मुझे पूरा खोलता हुआ पानी चाहिए। भाई पूछ रहे चाय बना सकते हैं, ये पूछ रहे चाय बना सकते हैं? हाँ सर्दियों में चाय बनाए, कॉफी बनाए, नहाए और गर्मियों के अंदर 10 मुहर्रम को शरबत बांटे इसके अंदर। चाय बनेगी इसके अंदर अब। अच्छा अभी ये देखें, ये पीछे जो सेट किया हुआ ना, ये मैं अलग से इनसे लिया है, यहाँ पे ये मुझे देखूंगा ये करंट आ रहा है नहीं आ रहा, हल्की सी एक लाइट जल रही है लाल रंग की ना, ऐसा ही है? और ये जो है ना, ये थर्मोस्टेट जो है इस पे आप 40 सेंटीग्रेड 60 सेंटीग्रेड 40 सेंटीग्रेड 80 ये अभी फुल 80 सेंटीग्रेड पे सेट किया हुआ है,
ये भी एक बेहतरीन चीज है कि आप थर्मोस्टेट के थ्रू पानी को, लेकिन आप फुल पे ही गर्म करें ताकि आपने तो मिक्स ही करना है ना। और ये केबल आपको साथ नहीं मिलेगी, ये केबल मैंने यहाँ पे कस्टमाइज इनसे अभी लगवाई है। ये देखें केबल जा रही है, वो प्लग इन हुआ है। कितनी देर लगेगी भाई जान? 15 से 20 मिनट बस। 15-20 मिनट में रेडी? रेडी, बिल्कुल रेडी। कितनी देर हो गई? यही नहाना तो बताएं। नहीं नहाना है? मुजम्मिल तुम नहाओगे यहाँ पे? दानिश भाई आप नहाएंगे? चाय बनाएंगे। दानिश भाई चाय बनाएंगे। अच्छा ये भाई कह रहे हैं कि आपने जब फर्स्ट टाइम इसको यूज करना है ना, तो आपने क्या करना है इसको एक दफा ना, वो गर्म होना शुरू हो गया भाई। ये देखें आप, देख रहे हैं आप, आ रही है। फिर बोलूंगा धुआं आ रहा है, बोलेंगे धुआं नहीं है भाप है। ये एक ड्रम्स के अंदर क्या है ना, केमिकल होता है। एक दफा पानी डाल के इसको हम कहाँ तक फुल कर सकते हैं? यहाँ तक फुल कीजिए। यहाँ तक फुल कर सकते हैं? अच्छा सही। इसको फुल करके एक दफा गर्म जब हो जाए तो पानी को फेंक दीजिएगा, क्योंकि ड्रम के अंदर केमिकल होता है, फिर फेंक दीजिएगा। ये मत समझिएगा अंदर कोई तेजाब आ गया है, ये अंदर खजाना बन रहा है, कोई ये मत सोचिएगा। चाय बन रही है। गन्ने का जूस है। कड़क चाय जो मजो, रूबी डस्ट जो मजो। ये देखिए जी, ये बन रहा है, गर्म होता है। इसको टेस्ट एंड ट्रायल करके लेके जाऊंगा, ऐसे धोखे में नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, धोखे में रखेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। आपको क्या, किसी कस्टमर को भी नहीं रखेंगे। हैं पक्की बात? पक्की बात। आपके सामने भी मैंने 2 पीस दिए, चेक करा के दी। अच्छा, इसको हाथ वाथ लगाने से कोई इशू नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं भाई। यहाँ उंगलियां मत डाल दीजिएगा, जैसे हर जगह उंगली करने का शौक है ना, यहाँ मत कर दीजिए। अगर इसमें भी अगर आपको जुगाड़ चाहिए तो एक जुगाड़ और भी है, 500 ml की बोतल लेके यहाँ पे इसको लगा दे ताकि ये सेफ हो जाए। ओहो, एक और जुगाड़ है। इसका नाम ही जुगाड़ रख देना, मैं तो कह रहा हूँ। इसका नाम क्या है? ड्रम गीजर। नीला शैतान गरम करेगा बात को। तो दानिश भाई, ये मैं तो एक लेके जा रहा हूँ अभी के अभी, आप क्या बोलेंगे इसको देख के? यार बड़ी कमाल की चीज है, जिसने भी बनाई है ना, बड़ा दिमाग है पाकिस्तानियों के पास भाई। मेड इन पाकिस्तान। और ये लोहा लाट चीज है, ये गिरेगा तो भी कुछ नहीं होगा। गिराना नहीं, मगर ऐसा नहीं करना है, गिरा। मेड इन पाकिस्तान, मेड इन कराची। अच्छा, मेरे ख्याल में ना, आप इसके साथ एक स्टूल ले लें। स्टूल लेके इसको बाथरूम में ही रख लें। अच्छा, प्लग लगाएं, गर्म करें पानी, प्लग निकाल के खूंटी पे लटका दें, बस करंट का चक्कर ही नहीं है ना, सेफ रहेगा। बस ये मैं अभी एक, अच्छा इसमें एक चीज आप लोगों को जाते हैं बता दूं कि इसमें जो रॉड लगा हुआ है ना, वो रॉड 3-4 किस्म के, जैसे मैंने शुरू में दिखाया है, एक चाइना का बहुत हल्का है, उसमें जंग आ जाता है, फिर उसमें एक कैटेगरी है, फिर इसमें एक जो टॉप कैटेगरी है ना, वो है इटली का रॉड। मैं कहा भाई मुझे इटली का रॉड ही लगा दो सीधा। तो आपको पता है जितने का ड्रम है रॉड उतने का ही है जी, इटली का रॉड उतने का ही है जितने का ही ड्रम है। ऐसा है? हाँ भाई, ये है भाई, ये बता दूं कि इटली का रॉड जो है वो महंगा है, वो अगर आपने लगवाना है तो फिर ये 2700 का नहीं रहेगा, फिर ये महंगा हो जाएगा। 2700 में चाइना, 2700 और ऐड कर लें बस। 2700 में क्या होगा कि आपको चाइना का अच्छा लगा हुआ रॉड मिल जाएगा, जो आपका दो सीजन आराम से निकाल लेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा और बेहतर चाहिए, तो मैं थोड़ा कस्टमाइज करवा रहा हूँ। तो जैसे ही भाई अभी सारा ये कस्टमाइज करते हैं, बनाते हैं, फिर हम यहाँ से लेके खरीद के इसको निकलते हैं। सुबह आप इससे नहा के आएंगे? सुबह नहीं, आज अभी नहाऊंगा जाके, अबीच के अबीच। तो चलते हैं भाई, यहाँ से खरीदते हैं इसको, घर जाते हैं इंशाल्लाह, और उठा ले, चलो ले चलो भाई, ले चलो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।